बात करते हैं सरकार के एक बड़े फैसले की। सरकार ने जम्मू कश्मीर को आलमी नक्शे पर लाने के लिए बड़ी कोशिश की है और सन्नत और सियाहत को फरोग देने के लिए हर दिन कोई ना कोई नया फरमान भी जारी हो रहा है। ताहम बड़ी बात है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर के अंदर फिल्म पॉलिसी 2020 को भी सामने रखा है और जब से जम्मू कश्मीर ड्राफ्ट फिल्म पॉलिसी 2020 सामने आई है उसके बाद कई सवालात सामने उठ रहे हैं और माना जा रहा है कि जिस तरीके से इस पॉलिसी को फ्रेम अप किया गया है उससे बुनियादी सतह पर जम्मू कश्मीर के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा। तो इससे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जनाब ये जो पॉलिसी सामने आई है इससे जो लोकल टैलेंट है और जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने साला साल काम किया है लेकिन उन्हें अभी तक भी इसका फायदा नहीं मिलेगा और ब्रॉडर पेज पर जहां पर उन्हें कंसेंसस करने की जरूरत थी वो कंसेंसस जो है वो नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। बढ़ते हैं जी आगे, इसी पर मैं जरा गुफ्तगू करता हूं क्योंकि ये फिल्म पॉलिसी सामने आई है और ऐसा लग रहा था कि इस पॉलिसी के अंदर जो चीजें लिखी है शायद इससे जो लोकल टैलेंट है उसे भी फायदा मिलेगा और लोकल टैलेंट को जोड़ते हुए पॉलिसी को और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मेरे साथ दो बड़ी शख्सियतें ज्वाइन कर चुकी हैं जो इंडस्ट्री के साथ एक बड़ा नाम है। अयाश आरिफ साहब मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और मेरे साथ सौरभ वर्मा जी भी ज्वाइन कर चुके हैं जम्मू से, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले अयाश साहब आपके पास आऊंगा, जम्मू कश्मीर के हवाले से जब मैं बात करता हूं टैलेंट की कोई कमी नहीं है, हर चीज हमारे पास है, लेकिन जब ये पॉलिसी फ्रेम अप की जा रही थी तो क्या आप जैसे लोगों के साथ राब्ता नहीं हो पाया या क्या उन लोगों से राब्ता नहीं हो पाया जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस सनत के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि अब इसे बाज़ाब्ता तौर पर पॉलिसी के तहत एक सनत का दर्जा दिया जा रहा है। चलिए बड़ी बात, हम कोशिश करेंगे कि श्रीनगर भी ऑडियो जाए और जम्मू में भी ऑडियो जाए। सौरभ वर्मा जी भी मेरे साथ है। सौरभ सर मेरी आवाज आ रही है आप तक? चलिए सौरभ जी, ये जो पॉलिसी बनाई गई जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2020, क्या इसमें कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ आप लोगों के साथ, क्योंकि आप मेन स्टेक होल्डर्स आप ही हैं इसमें जी। तो आपने अयाश आरिफ सर को सर मेरे ख्याल से आ गए, अगर वो जवाब दे पहले तो वो बेहतर रहेगा। ठीक है अयाश साहब, क्या अस्सलाम वालेकुम जी, क्या आवाज मेरी आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी, ये जो पॉलिसी बनाई है जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी 2020 और मेरे हाथ में भी है, अब सवालात उठ रहे हैं कि जनाब इसमें बड़ी चीजें ऐसी हैं जो विदाउट कंसल्टेशन चलाई गई है और लाई गई है, इससे जम्मू कश्मीर के लोगों को जो इसके साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हमारे साथ या किसी भी ऐसे एक्सपर्ट के साथ कश्मीर फिल्म पॉलिसी कोई ना डिस्कशन हुआ है, ना कोई किसी के साथ मतलब के ये कहें कि किसी की सजेशन ली गई। यहाँ पे ऑलरेडी वी आर मतलब वी हैव अ कंपनी डेवलप्ड टेलीविजन इंडस्ट्री एंड वी हैव बीन सफरिंग करीब 2010 से हम सफर कर रहे हैं, हमारे पास सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, we have our own audio studios, we have production hubs, everything we were having, लेकिन उसके बाद 2010 के बाद हमसे ये सारा छीना गया, जो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें INDB से मिल रहा था उसको छीना गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे पास दूरदर्शन और बाकी जो इंस्टीट्यूशन है उनके अलावा कोई हमारे पास जरिया नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर प्राइवेट सैटेलाइट चैनल जिसके साथ हम काम करें। ठीक है, अब वो फील्ड टोटली बंद पड़ा है, ना किसी के पास काम है, कुछ नहीं है, वो धूल हमारी लाइटें हमारे स्टूडियो चाट रहे हैं एंड पीपल आर इन अ ग्रेट फाइनेंशियल डेट। एक बात, अब हमने कई बार कहा कि आप यहाँ जो फिल्म पॉलिसी ला रहे हैं उसका फायदा जो है वो मिलना चाहिए यहाँ के प्रोड्यूसर को, यहाँ के डायरेक्टर को, यहाँ के राइटर को, खासकर यहाँ के एक्टर्स को, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमने बार बार इनको कहा कि भारतीय जितने भी हमारे फिल्म यूनिट्स आते हैं जहाँ पर मतलब शूटिंग के लिए, ये है फॉर देयर ओन लाइव प्रोड्यूसर, वो काम करते हैं और आर्टिस्टों को बुक करते हैं,
दिस पॉलिसी डज नॉट गिव अस एनी एक्स्ट्रा बेनिफिट। हाँ, अगर ये लोग रीजनल सिनेमा यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते, हमने कई बार जो पहले भी यहाँ अरिशवाल स्टेट में यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे उनसे हमारी मुलाकात की, हमने उनसे कहा कि यू गिव अस सब्सिडी लाइक अदर स्टेट्स आर हैविंग फॉर रीजनल सिनेमा, अगर वो सब्सिडी आप हमें देंगे हम अपनी फिल्में बनाएंगे, हमारा लोकल चैनल उसमें एब्जॉर्ब होगा, हमारी हमारा जो टेक्निकल यहाँ पे टेक्निकल टीम है यहाँ के जो एक्सपर्ट हमारे बच्चे हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे और भी रीजनल सिनेमा डेवलप होगा। हमें बाहर के लोग आएंगे शूटिंग करेंगे फॉर टाइम भी वो काम करेंगे, ठीक है, आर्टिस्ट को पैसा दिया ठीक है, लेकिन जो मेन थ्रस्ट है उस पर इस पॉलिसी का हम सर उस पर कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे स्टूडियो बनाएंगे वो यहाँ के जे एंड के लोग बनाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी बने हुए सब या स्टूडियोज हैं और बाकी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है, बट क्वेश्चन यू सी अर्लियर अभी रिसेंटली एक और पॉलिसी आ गई है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से और दूरदर्शन ने भी एक पॉलिसी पहले इंट्रोड्यूस की, उसमें राइडर्स लगाए गए ऐसे कि कोई भी जे एंड के का प्रोड्यूसर उसमें क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अब जो इंफॉर्मेशन ने गाइडलाइंस निकाली है टू गिव द मैक्सिमम वर्क टू जे एंड के पीपल बट राइडर्स एज सच आर सो टफ, नन ऑफ द जे एंड के प्रोड्यूसर इज अगेन क्वालिफाइंग अंडर दिस पॉलिसी, तो ये किसके लिए है? अगर ये बाहर वालों को देना इसका फायदा तो फिर हम एक ऐसी स्टेट में रहते के नाउ यूटी हमने एक टर्माइल को देखा है, हमारे जितने भी कल्चरल इंस्टीट्यूशन है वो काफी बंद पड़े। मैं सब दोबारा आपके पास आऊंगा क्योंकि मेरे पास जरा थोड़ी सी और इसमें वजाहत कर दूं क्योंकि मामला क्या है, मैं जरा आपके पास भी आ रहा हूं जी। सौरभ सर, क्या जम्मू के भी राइटर्स प्रोड्यूसर्स आर्टिस्ट इसी लाइन को टॉक कर रहे हैं कि जनाब कंसल्टेशन प्रोसेस जो पहले होना चाहिए था वो तब भी नहीं हुआ और अब जब राइडर्स लगाए जा रहे हैं वो राइडर्स पर मैं थोड़ी देर में आऊंगा, उस वक्त भी कोई कंसल्टेशन नहीं है और ये जो दम तोड़ती हुई इंडस्ट्री है ये अपने लास्ट लेग पर है और किसी भी वक्त ये कलेप्स हो सकती है? सर, पिछले महीने 20 तारीख या 19 तारीख को फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से आई थी उसमें जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें मिली थी जहाँ इंटरनेट पे हमें मिली थी वो था कि जितने भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक्टर्स हैं उनका जो डेटाबेस है वो उससे किया और उसको पब्लिक किया जाएगा कि कोई भी अगर बाहर का प्रोड्यूसर डायरेक्टर यहाँ जम्मू कश्मीर में आना चाहता है तो उसको ऑनलाइन डाटा सारा मिल जाए कि अगर वो एक्टर्स की लिस्ट चाहता है या डायरेक्टर्स की चाहता है या प्रोड्यूसर्स की चाहता है या लाइन प्रोड्यूसर्स की चाहता है वो उनको डाटा मिल जाएगा। ये बहुत अच्छा मुझे सबसे पहला जो स्टेप लगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो मेरी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से एक दो लोगों से बात हुई उन्होंने कहा कि अभी पूरी डिटेल्स अभी नई पॉलिसी की सामने नहीं आई है। तो ये भी सर से मैं सहमत हूँ एक बात से कि जब ये पॉलिसीज बनाई थी बहुत ही कम लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया गया, बहुत कम लोगों से राय ली गई उसके लिए, चुनिंदा लोगों से उसकी राय ली गई जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। मैं आता हूं दोबारा आपके पास, मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। यहाँ सब बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, पॉलिसी तो अब हमारे सामने पब्लिक डोमेन में आ गई है, आपने कहा कंसल्टेशन भी नहीं हुई, अब इसमें जो एतराज वाला पॉइंट है जब मैं देखता हूं तो पहले ये लगता है कि सरकार सबके लिए इसको खोल रही है, जितने भी लोग हैं उनको अकोमोडेट और एडजस्ट करने की बात हो रही है, जो बाहर से भी आएंगे उन्हें तरह तरह के मुराद दिए जाएंगे, सिक्योरिटी फ्री होगा, लेजान के लिए उन्हें खोल दिया जाएगा, लेकिन लोकल का एतराज कहां पर है? क्या जो राइडर लगाया गया है DIPR की तरफ से कि कौन लोग एम्पैनल होंगे वहीं पर सिर्फ एतराज है या पूरी पॉलिसी के अंदर इतने लिक्यूनाज है कि एक पेज छोड़ दूसरे पेज पर आए तो वहां पर भी लिक्यूना ही नजर आता है? सब ये दो चीजें हैं, मतलब दे आर टू डिफरेंट थिंग्स, कल्चरल पॉलिसी इज डिफरेंट एंड एम्पलमेंट फॉर इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इज डिफरेंट। जी, ये एम्पलमेंट जो डिपार्टमेंट मतलब कल्चरल मतलब ये जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लिए लोग कर रहे हैं बिकॉज ये जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्रीज बन रही है उसका एक सेंटर होगा, पूल होगा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। लेकिन एक कैटेगरी में ये हमसे मांग रहे हैं 50 लाख पर ईयर और 3 साल का हमने टर्नओवर देना है वह 1.5 करोड़, और बी कैटेगरी में हमसे मांगते हैं 75 लाख, सी कैटेगरी में मांगते हैं 50 लाख। आप मुझे खुदारा बताइए, हम कह रहे हैं कि 2010 से वी हैव नॉट बीन एबल टू इवन प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोग्राम, और उसके बाद
ये जो 3 साल हमारे गुजरे हैं, हमें मुझे बताए कि हम 1.5 करोड़, 75 लाख और 50 लाख कहाँ से लाएंगे। ये जो इसमें कैटेगरी में जो लोग आएंगे वो तो बाहर के आ जाएंगे, और अब इन्होंने रखी है एक और कैटेगरी, उसको नाम दिया है स्पेशल कैटेगरी, और स्पेशल कैटेगरी में जो लोग टेररिज्म के साथ एम्पेल्ड है वो आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि वेन यू आर एम्पेलिंग द पीपल इन ए बी सी एंड डी कैटेगरी, और हमारे लिए स्पेशल कैटेगरी है, तो वेन देयर विल बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, मैक्सिमम कहा विल गो टू द आउटसाइडर एंड विल बी गिवन अ मीडियर से पीनट। तो आई थिंक इट इज अ सॉर्ट ऑफ अपीजमेंट फॉर द प्रोड्यूसर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें तो कोई वो क्लेरिटी है नहीं। हाँ, वी आर नॉट अगेंस्ट द पीपल हु आर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड, बट यू कीप एटलीस्ट लाइक डीडी कश्मीर हैड कैप्ट 75% शेयर फॉर जेएंडके प्रोड्यूसर्स एंड 25% फॉर आउटसाइडर्स। इवन वी से यू कीप 50% फॉर आउटसाइडर्स, बट कीप 50% फॉर जेएंडके पीपल एंड डिवाइड दीज गाइडलाइन सच ए वे सो दैट एवरी प्रोफेशनल पर्सन हु हैज डन लॉट ऑफ वर्क ड्यूरिंग दीज कहीं ना कहीं ऐसा बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ये खदशा भी है कि ये जो पॉलिसी फ्रेम अप किया गया है कश्मीर के नाम पर, जम्मू कश्मीर के लोगों के नाम पर, इससे जम्मू कश्मीर को 0 के बराबर भी फायदा नहीं आना, क्योंकि जो क्राइटेरिया और राइडर्स लगाए गए हैं इससे वो लोग जो डायरेक्टली इससे इन्वॉल्व है उन्हें कोई फायदा नहीं है, कोई नहीं मिलेगा। दूरदर्शन ने आज से 2 साल पहले भी नई गाइडलाइंस निकाली, बिकॉज 2010 से दूरदर्शन डीडी कश्मीर के लिए सब प्रोग्राम बंद पड़े हैं। वी हैव गॉन फ्रॉम पोस्ट द पिलर, और उसके बाद हमने अथॉरिटी से मिले तो उन्होंने नई गाइडलाइंस इजरा की, और उन्होंने भी वही गाइडलाइंस लगाया जिसे कोई भी जेएनके का प्रोड्यूसर क्वालिफाई नहीं हुआ। वो खर्चा हमारे जहन में आई और अब ये दूसरी गाइडलाइंस आ गई, इससे साफ हमें जाहिर लगता है कि दिस पॉलिसी इज नो वे फॉर द प्रोड्यूसर फॉर जेएनके। जब हमने काफी मुसीबतें देखी है, हमने ऐसे माहौल में काम किया है, वी हैव टेकन द ग्रेट रिस्क ऑफ अवर लाइफ एंड वी कैप्ट शो ऑन। और यहाँ पे यू कैन सी इन एवरी फील्ड देयर इज टर्माइल, एवरी फील्ड अबाउट इफेक्टिव, बट एटलीस्ट दे शुड गिव अ स्पेशल पैकेज टू द जेएनके प्रोड्यूसर, जिन्होंने करीब करीब इस 30 साल में एक ऐसे मतलब के हालात से वो गुजरे हैं, इतना टैलेंट हमारा भरा पड़ा है, हमारे कल्चरल इंस्टीट्यूशन लाइक अवर एनजेडसीसी विच वॉज गिविंग सम काइंड ऑफ बेनिफिट टू द आर्टिस्ट, डोर्स आर क्लोज, आईसीसीआर डोर्स आर क्लोज, डीडी कश्मीर डोर्स आर क्लोज, कल्चरल अकेडमी वो नए सिरे से तरक्कियां दिया जा रहा है, डोर्स क्लोज, जस्ट टेल मी वेर शुड बी गो। हमारा जो ये आर्टिस्ट है हु डायरेक्टली और फुली प्रोफेशनली एसोसिएटेड विद दिस फील्ड, ही इज इन द ग्रेट टर्मोइल, उसका तो जीना हराम हो गया है। कई हमारे बंधु ने वो बेचारे नाउ दे आर शिफ्टिंग फॉर टाइम दे टू स्मॉल मेजर बिजनेस, दैट दे कैन नॉट डू, एन आर्टिस्ट कांट डू अ बिजनेस, प्रोड्यूसर कांट डू अ बिजनेस, डायरेक्टर कांट डू अ बिजनेस, ही इज अ क्रिएटिव पर्सन, और उसके लिए सब काम करना मुश्किल है। एंड वी आर गोइंग थ्रू मेंटल टॉर्चर, हमने स्टूडियोज बनाए हैं, हमने इक्विपमेंट लाए हैं, हमने बड़ी बड़ी लाइट मतलब जो अपना लाइटिंग इक्विपमेंट खड़ा किया है, और हम बैंक को पैसे नहीं दे सकते हैं, बैंक सारा ऑफिसर आज और बाढ़ भी बीच में आया था, जो डिल्यूज आया उससे हमारे स्टूडियो भी बैठे, और होल इंडस्ट्री इज इन द ग्रेट टर्मोइल, और ये पॉलिसी हमें कुछ नहीं करेगी। एंड फिल्म पीपल आर कमिंग, दे हैव गॉट एज रेडी, मैं ऐसा दोबारा आपके पास आऊंगा, जरा कंक्लूजन भी इसका निकालते हैं ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उन्हें समझ आए कि क्या कुछ हो रहा है। मैं सौरभ जी, आप सुन रहे थे ना, आया साहब क्या कह रहे हैं, जम्मू की फीलिंग्स क्या कुछ है, जम्मू का टैलेंट क्या कुछ सोच रहा है? देखो सर, जो अयाश अभी सर ने कहा ही बात, उसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। फिल्म पॉलिसी और एम्पावरमेंट पॉलिसी में बहुत फर्क होता है। एम्पावरमेंट कर रहे हो आपकी फिल्म पॉलिसी ला रहे हो, ये क्लियर होना चाहिए पहले। जो दूरदर्शन हमारा बंद था उससे ऑलरेडी बहुत पूरे जेएनके के आर्टिस्ट उससे इफेक्टेड हैं, लेकिन अगर आप जस्ट फिल्म पॉलिसी की बात करो तो फिल्म पॉलिसी के लिए अभी मैं मुंबई में हूँ और मैं आपको बताऊं कि अगर कोई फिल्म शूट होने आती है तो उससे बड़े सारे लोगों को फायदा होता है, और कश्मीर में मैं देखता हूं कि फिल्म आए दिन शूट होती रहती है। तो अगर फिल्म पॉलिसी की बात चल रही है तो वो पूरे जेएनके की चलनी चाहिए,
जो कि जम्मू उसमें हमेशा, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ और मैं देखता हूँ कि जम्मू हमेशा उसमें पीछे रहता है। पहली बार तो फिल्म बहुत कम आती हैं तो कश्मीर में चले जाती हैं, और जम्मू में जो लोकेशन हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे कोई भी रहने की जगह नहीं है, वहाँ पे ठहरने की जगह नहीं है। अगर वहाँ पे कोई शूटिंग करने आता है वो कहाँ ठहरेगा, उसका इंतजाम नहीं किया गया। तो बड़ी बड़ी फिल्म पॉलिसीज लाना या उसकी बात करना, इससे कोई मतलब नहीं बनता अगर आपके पास वहाँ ठहरने के लिए होटल नहीं है लोकेशन से, या अगर इतने महंगे कोई इक्विपमेंट लेके आ रहा है वो हवा में रखेगा नहीं, तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। सिर्फ कश्मीर में अगर शूटिंग करवानी है तो वो तो हो ही जाती है, अभी भी हो रही है शूटिंग, अगर फिल्म की बात करूँ तो। अगर आर्टिस्ट के एम्पावरमेंट की बात करूँ तो उसके लिए अलग पॉलिसीज लानी चाहिए, और सारे आर्टिस्ट को सीनियर्स को पूछ के उसके लिए पॉलिसीज तैयार करनी चाहिए। उससे ऑलरेडी जो दूरदर्शन हमारा बंद पड़ा है उसके ऊपर पहले बात होनी चाहिए, अगर उनको इम्पावर करना है तो। अभी 1.5 करोड़ रुपया कोई कहाँ से लाएगा पहले, अगर इसमें फॉल्ड करना है तो। जो यही बड़ा सवाल है, ठीक है जी, मैं आता हूँ दोबारा। ऐसा बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि मेरे ख्याल से इस पॉलिसी का एक हिस्सा होना ये चाहिए था कि राइटर्स, प्रोड्यूसर्स और जो लोकल आर्टिस्ट या टैलेंट है हमें, उन्हें किस तरीके से सर्वाइव किया जाए, वो किस तरीके से जिंदा रहे और बाइज्जत जिंदगी बसर करे। वो मुझे इन 18-19 पेज में मिसिंग लगा, ये जो पेज मेरे हाथ में भी है इसमें वो कहीं ना कहीं मिसिंग मुझे दिखा। बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छी बात करी। अगर इन लोगों ने फिल्म पॉलिसी लानी है, हमारे जितने भी आर्टिस्ट है, लोकल राइटर्स है, एवरीवन ऑफ देम विल नॉट ऑप्ट फॉर बॉम्बे फिल्म, बॉम्बे मसाला, दे नो देयर कल्चर, उनकी अपनी जबान है। हाँ, अगर इनको फिल्म पॉलिसी कश्मीर में फिल्म इंडस्ट्री डेवलप करनी है, देट देम डेवलप है रीजनल फिल्म इंडस्ट्री, और उसमें ऐसा करें कि एक जैन के फिल्म फाइनेंशियल कोऑपरेशन बनाए। जब फिल्म फाइनेंशियल कोऑपरेशन बनेगी और उसके साथ जिस तरह बाकी स्टेट में उसमें सब्सिडी दी जाती है, एवरी टैलेंटेड गाय विल कम फॉरवर्ड, दे विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ फाइनेंस एंड दे विल मेक द फिल्म, और उसके साथ हमारे लोकल आर्टिस्ट भी बिजी रहेंगे, हमारे राइटर भी बिजी रहेंगे, हमारा जो टेक्निकल स्टाफ है यहाँ पे, टेक्निकल जो हमारी टीम है वो भी बिजी रहेंगे, एवरीबडी विल नॉट बी टेकन बाय द फिल्म इंडस्ट्री, एंड हमारी जो यहाँ जबान है, हम अपनी डोगरी लैंग्वेज में फिल्में बनाएंगे, हम कश्मीरी लैंग्वेज में फिल्में बनाएंगे, हम बल्ती में फिल्में बनाएंगे, हम पहाड़ी में फिल्में बनाएंगे, और नाउ दैट वी डोंट हैव एनी आवर गूगल इज नॉट एनी सिनेमा, वी हैव ओटीटी प्लेटफॉर्म, वी हैव सोशल मीडिया, नाउ द फील्ड इज वेरी वास्ट, वी कैन गो टू एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एंड देन ओनली विल बी एबल टू डेवलप अवर एंड टू प्रमोट अवर लोकल टैलेंट। एंड already film people are coming, they have their line producer, as my this fellow panelist said, they don't face any problem and they are being given very good facility. If Ayash Arif has to shoot in Srinagar, I may have to go from one door to another door to seek a permission, but the people, the artists who are coming for Bombay, they are being given good fee, they are being given traveling charges, everything they are being provided, but if my artist goes, he is not being encouraged. My artist knows his culture, कुल मिलाकर मैं ऐसा ये मानूं कि ये जो पॉलिसी मेरे हाथ में भी है, जिस पर आप जिक्र भी कर रहे हैं, ये मुकम्मल पॉलिसी नहीं है, इस पॉलिसी को मजीद कुछ जोड़ने की जरूरत है, तब जाकर जम्मू और कश्मीर का कल्चरल वैल्यू भी हमारा बचेगा, उसके साथ साथ जो लोग इसके साथ जुड़े हैं वो कहीं ना कहीं आगे आकर काम भी कर सकते हैं। एक्जैक्टली, then only will be promoting our art and culture. Bombay film will not promote our art and culture. ये silver line है कि अगर हमने अपने culture को बचाना है तो हमने अपने talent को ही पकड़ के रखा। आखिरी बात बताइएगा आप भी, सौरभ सर आप भी अपने last comment दे दीजिएगा। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे आयाश हारिस सर ने कहा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के साथ अगर गवर्नमेंट कुछ करवा सकती है तो रीजनल सिनेमा वहाँ पे अगर वो प्रमोट करवा सकते हैं या वहाँ पे फीचर करवा सकते हैं तो उसमें बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर हम जम्मू में बैठ के अगर हम गोजरी में फिल्म बनाते हैं, जस्ट कश्मीरी में बनाते हैं या डोगरी में बनाते हैं, बल्ती में बनाते हैं, लद्दाखी में बनाते हैं, तो हमें इतनी ऑडियंस नहीं मिलती उसकी कि हम उसका रेवेन्यू वापस जनरेट कर सकें। तो उसके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है, उसमें उसको हम डब करवाएं या सब टाइटल देके हम वर्ल्ड वाइड उस सिनेमा को चला सकें, ठीक है। अगर हम जम्मू में सिर्फ रिलीज करें दो थिएटर्स में एक भी कोई भी लैंग्वेज फिल्म, तो वो ना ही कश्मीर में चलेगी ना ही डोगरी में चलेगी, वो ओटीटी प्लेटफॉर्म में सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है, और आर्ट फिल्में वहाँ पे आप जाके कर सकते हैं, बेस्ट वहाँ पे अगर गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट कर सकती है तो वो उसके लिए आर्टिस्टों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। बाकी अगर फिल्म पॉलिसी की बात करो तो आर्ट से
अब जो वो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट था जिसमें अखबारों में इश्तेहार भी दिया गया जी आप जितने भी लोग इसके साथ जुड़े हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्या उससे कुछ सर्वाइवल बनता हुआ नजर आ रहा है? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 आवाज साहब, सर मुझे बताएं कि गैस वो क्या है? ऑलरेडी हमारे जितने लाइन प्रोड्यूसर यहाँ पे है उनके पास डाटा है, कल्चर एकेडमी के पास डाटा है, नो वे जॉब ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। मैं नाउ एट द एज ऑफ दिस 60 डू यू वांट मी टू गेट माइसेल्फ असाइनमेंट विद इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट व्हेन आई एम ऑनली एस्टैब्लिश्ड प्रोड्यूसर? हाउ इज इट पॉसिबल फॉर मी? डोंट गेट डिग्रेड माई पर्सनैलिटी सर, इट इज नथिंग, बिकॉज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हैज नथिंग टू डू विद दिस। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हैज सम अदर जॉब, दैट्स व्हाई हमने उनको कहा कि जितनी भी डिपार्टमेंटल यहाँ पे फिल्में बनती है आप इसको एक ही अंडर वन रूफ एंड डिस्ट्रीब्यूट इट इन अ प्रॉपर सिस्टमैटिक वे। बाकी तो इसका हमारे इसके साथ वहां पर रजिस्टर करवाना, यहाँ पे राइटर रजिस्टर करेगा, वहां पर मेरा आर्टिस्ट रजिस्टर करेगा, वहां पे देखते हैं जब कंफर्म आएगा तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट उनको बताएगा नहीं ये है, व्हेन ऑलरेडी अवर डाटा इज देयर, लाइन प्रोड्यूसर्स आर हियर, वो काम करते हैं, पीपल आर कमिंग, दे आर टेकिंग वॉइस फ्रॉम हियर, दे आर टेकिंग कैमरा फ्रॉम हियर, तो वो लोग वो सिलसिला तो चलता है, उसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमारे अगर प्रॉब्लम है जिस तरह मेरे पैनलिस्ट भाई ने कहा कि इस वक्त हमें गवर्नमेंट की मदद की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ सब्सिडी एंड लेट देम रिवाइव द टेलीविजन इंडस्ट्री अगेन, इफ दे वोंट रिवाइव द टेलीविजन इंडस्ट्री अगेन आई थिंक आवर सर्वाइवल इज बहुत बहुत शुक्रिया जी आया साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बहुत सारे लोग जो इसके साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं और ये जो पॉलिसी सामने आई है इस पॉलिसी के अंदर की कहानी क्या थी इस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी था।